आप देख रहे हैं देव श्रीवास्तव के साथ केडीएस न्यूज। बेहतरीन खबरों के हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त देव श्रीवास्तव आपके साथ हूं। एक बार फिर हम लखीमपुर से जुड़ी बड़ी खबर पर आपके साथ हैं। इन दिनों जो बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर, इसे लेकर जो अव्यवस्थाएं हैं बिजली को लेकर, वो भारी व्यवस्थाओं से जिला जूझ रहा है, शहर जूझ रहा है। हमारे साथ हैं जो संगठन के अध्यक्ष, उनसे हम आपकी बात करवाएंगे, उनकी क्या मांगे और किस लिए हड़ताल पर और कब तक वो हड़ताल पर रहेंगे। आपका मैं पहले हम परिचय जानना चाहेंगे आपका। मैं ध्रुव कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष लखीमपुर। हमारा धरना 7 सितंबर से चालू है। 75 दिन से हम लोग इको गार्डन लखनऊ में जमे हुए हैं, हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, और 27 सितंबर को हमारी ऊर्जा मंत्री जी से बात भी हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, उन पर तुरंत विचार किया जाएगा और निरीक्षण करा के मांगे लागू करवाएंगे। क्या मांगे हैं प्रमुख मांगे? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम संविदा कर्मचारियों को कम से कम 18,000 मूल वेतन मिलना चाहिए, ESI का लाभ मिलना चाहिए, जो हमारे संविदा कर्मचारी चोटिल हो रहे हैं उनको विभाग द्वारा पूर्ण उपचार होना चाहिए। हमारे संविदा कर्मचारी भाई जो मर जाते हैं खंभे पर चढ़ के गिर करके, उनके कम से कम अंत्येष्टि के बाद 10 लाख रुपए मिलने चाहिए। हम लोगों की ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। हम लोगों के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग कार्य नहीं करते, अनावश्यक कार्य का दबाव बना करके खंभे पर चढ़ा करके जो कार्य कराया जाता है अधिकारियों द्वारा, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। कब तक हड़ताल पर रहेंगे? हमारी हड़ताल जब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारा प्रशासन और प्रबंधन हमारी मांगे पूरी नहीं कर देता है। इमरजेंसी सेवाओं को लेकर क्या? इमरजेंसी सेवाओं के लिए विभाग के पास सरकारी पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो उनका भी पता चल जाएगा कि वो केवल अपना पेट पालते हैं, कमीशन खाते हैं या काम भी करना जानते हैं। ये साबित हो जाएगा कि संविदा कर्मचारी कार्य करता है या सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं। तो अभी मतलब किसी भी तरह से वापस हड़ताल से? अभी हमारे कोई हड़ताल नहीं है, जब तक हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी हम लोगों को आदेशित नहीं करती है तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। आप कितने संविदा कर्मचारी हैं यहाँ? हमारे लखीमपुर में लमसम 1,000 के ऊपर संविदा कर्मचारी हैं, और कुछ कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती पावर हाउस पर रोक रखा गया है, चार्ज नहीं ले रहे हैं। जैसे ही वो चार्ज से मुक्त हो जाएंगे वो लोग धरना स्थल पर आ जाएंगे। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर सारे कर्मचारी मौजूद हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का कारण यह है कि उनकी मांगे नहीं मांगी गई हैं, बल्कि उच्च अधिकारियों को इस बात से वो अवगत करा चुके हैं। जो मांगे हैं वो बेहद जायज़ मांगे हैं और मुझे लगता है, हमें लगता है कि इन्हें पूरा होना चाहिए। ऐसी बेहतरीन खबरों के लिए दोस्तों आप हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम चाहते हैं कि आप हमारी खबरों को जनहित में शेयर भी करें। अगली बार आपका होस्ट आपका दोस्त फिर किसी नई खबर पर आपसे जरूर होगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।